please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रेडिकल रियल्टी मीडिया फाउंडेशन ने देश भर के 11 राज्यों से 2 लाख से ज़्यादा घर खरीदारों को एकजुट होकर बिल्डरों के खिलाफ डेवलपर के झूठे वादे और धोखाधड़ी के मामले में लड़ने का संकल्प दिलाया। आप लोग यहाँ जो एसोसिएशंस के पदाधिकारी बैठे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने ग्रुप के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए एसोसिएशंस का निर्माण किया। आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त होम बायर्स परेशान हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि आखिर वो कहाँ जाएं, और वो ऐसे एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे थे जहाँ उनकी बात सुनी जाए और मानी जाए। मैंने इन्वेस्ट की है एनपीएक्स सेक्टर 153 और कॉस्मिक 154 में। इट्स अ कमर्शियल यूनिट, आईटी के लिए किया था और अभी तक 5 साल हो गए हैं हम लड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला है एनपीएक्स में। और टोटल हरासमेंट है बिल्डर की तरफ से, और जो 154 में जो प्रोजेक्ट है कॉस्मिक का, उसमें तो वो पता चला है कि लैंड ही जो है जो बिल्डर ने उसने खरीदी नहीं है, तो इट्स अ टोटल लॉस, पूरे पैसे लेके कुछ भी नहीं हाथ में है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे इतने सारे बिल्डर्स के अगेंस्ट जो सफरर्स खड़े हुए हैं, एसोसिएशंस आई हैं और यहाँ पे आके आरआरएम की वजह से इकट्ठे हुए हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं इकट्ठी पता चली हैं, कॉमन प्रॉब्लम, एक दूसरे से हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में और एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो कोर्ट के कैसे अप्रोच करना है या अथॉरिटी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट वे टू स्टे यूनाइटेड। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट जॉब बाय आरआरएम। आरआरएम फाउंडेशन का सबसे अच्छा उद्देश्य जो रहा है वो है कि सब होम बायर्स जो डिफरेंट प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर लाना, क्योंकि अकेला आदमी जाएगा इधर उधर भटकेगा, कोई उसको सुनेगा नहीं। और जब एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जाएगा और अधिकारियों से मिलेगा या अपनी प्रॉब्लम जो है समझाएगा, तो उनको पता लगेगा कि इनके पीछे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे और ये कॉमन कॉज वाली इश्यू थे। और इसलिए आरआरएम फाउंडेशन का बनना लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। आरआरएम फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे बायर्स को भरोसा दिलाया कि आरआरएम उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई लड़ेगा। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ये एक आगाज था आरआरएम फाउंडेशन की तरफ से, जिसपे कई सारे एसोसिएशंस ऑलरेडी एफिलिएटेड हैं और कई सारी आज हमने देखा यहाँ पे कि जिनको हमने सूचित भी नहीं किया था वो लोग भी यहाँ आके और अपनी एसोसिएशंस को एफिलिएट कर रहे थे। बेसिकली ये जो इवेंट हुआ है ये नोएडा में हुआ है, इसलिए नोएडा के लोग काफ़ी यहाँ पे एसोसिएशंस आई हुई थी, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो केवल नोएडा नहीं है, पूरे देश में ये बीमारी एक फैली हुई है। इस बीमारी से कैसे निजात मिलेगी उसके लिए कई विशेषज्ञ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इस लड़ाई को क्षेत्रीय ना बना के ये एक पूरे नेशन में फैली हुई बीमारी की लड़ाई है जिसको सेंट्रलाइज लेवल पे लड़ा जाएगा, सरकारों को जगाया जाएगा, केंद्र सरकार को भी इसके लिए जो है वो जागृत किया जाएगा कि ये इंडिविजुअल्स या किसी स्टेट की लड़ाई नहीं है, इस पे सेंटर को अपना ध्यान देना होगा। इस दौरान तमाम होम बायर्स एसोसिएशन के मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और उन्होंने आरआरएम के इस कदम की सराहना की। रियल्टी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।